नमस्कार, मैं तुषार गुप्ता डीएलएड के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम हेतु नियोजन का महत्व एवं चरण विषय पर चर्चा करेंगे। शिक्षक द्वारा लिए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक नियोजन होता है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जिस पर से सभी निर्णय निर्भर करते हैं। अच्छा नियोजन अच्छे शिक्षण के लिए मंच तैयार करता है, जो कि अनुकूलतम अधिगम को प्रोत्साहित करता है। जो शिक्षक यह जानता है कि नियोजन कैसे करना है, स्वभावश वह यह भी जानता है कि वह क्या संपादित करना चाहता है अथवा क्या संपादित करवाना चाहता है। प्रभावपूर्ण अनुदेशन व्यवस्थित अनुदेशात्मक नियोजन से ही संभव हो सकता है। उत्कृष्ट पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक इस अपेक्षा से शिक्षण करता है कि सभी प्रकार के विद्यार्थी पर्यावरणीय अध्ययन का अधिगम कर सकें, परंतु इसके लिए शिक्षक को कक्षा के विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने शिक्षण को उसके अनुकूल बनाने के रास्ते ढूंढते रहना चाहिए। शिक्षक नियमित तौर पर दृढ़तापूर्वक इस चुनौती से जूझता है कि किस प्रकार उन विद्यार्थियों की पहुंच का विस्तार किया जाए जो अपने अधिगम तत्परता, वैयक्तिक रुचियों, सांस्कृतिक रूप से गढ़े हुए तरीकों से दुनिया को देखने, बोलने और उस दुनिया के अनुभवों को लेना चाहता है। इसके लिए शिक्षक को संप्रत्यय कार्य संपादन की योजना तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह लोकोक्ति है कि यदि योजना अच्छी बनी है तो आधा कार्य तो उसी वक्त समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार की योजना शिक्षक बनाता है उसी के अनुरूप उसे शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन भी कर लेना चाहिए। अगर शिक्षक विद्यार्थी को पर्यावरण शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सम्मिलित करता है तो इससे उनके वैज्ञानिक अभिवृत्ति, सृजनशीलता, तार्किक चिंतन व विषय के प्रति रुचि का विकास होता है। साथ ही जब शिक्षक संप्रत्यय कार्य संपादन की योजना बनाता है तो उसे अधिगम रिक्ति वाले विषय को ध्यान में रखकर जरूर योजना बनानी चाहिए। शिक्षक को इकाई योजना, पाठ योजना व उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाते वक्त नियोजन के महत्वपूर्ण बिंदुओं व चरणों को ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन को यदि हम एक सूत्र में कहें तो नियोजन इक्वल टू पाठ्य वस्तु प्लस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधियां। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों के अधिगम शैली, रुचि, लिंग, कार्य क्षमता, विशिष्ट आवश्यकता आदि का ध्यान रखते हुए पर्यावरण शिक्षण का नियोजन करना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता अनुसार अपने पाठ के प्रस्तुतीकरण के साधन को भी बदलते रहना चाहिए। प्रस्तुतीकरण के लिए अनुसंधान पर आधारित साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए संप्रत्यय मानचित्र, ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग, पॉडकास्टिंग, पर्यावरण विज्ञान कविता, पर्यावरण विज्ञान कहानी, संप्रत्यय कार्टून इत्यादि हो सकते हैं। विद्यार्थियों को भी अपने पर्यावरणीय अधिगम को रचनात्मक रूप से अभिव्यक्त करना चाहिए। इसके लिए वे तकनीकी जैसे पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, संप्रत्यय कार्टून, विज्ञान पोर्टफोलियो, मॉडल, चार्ट, स्क्रैप बुक आदि की सहायता ले सकते हैं। नियोजन के चरण। किसी भी शिक्षक को नियोजन करते समय उस चरणों का ध्यान रखना चाहिए जो कि हम लोग अब आगे सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। पहला है शिक्षण बिंदु। शिक्षक द्वारा जिस पाठ को पढ़ाया जाना है उसके शीर्षक तथा मुख्य शिक्षण बिंदुओं को पहले ही स्पष्ट कर लेना चाहिए। दूसरा चरण है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण। इसके अंतर्गत पाठ या पाठों की एक कड़ी के शिक्षण बिंदुओं तथा किसी प्रकरण पर आधारित अधिगम उद्देश्यों को निर्धारित कर लेना चाहिए। तीसरा चरण है प्रस्तावना तथा विशिष्ट अधिगम क्रियाओं की योजना बनाना। ज्ञान,
समझ, व्यवहारिक कौशल, मनोवृत्ति इत्यादि की प्राप्ति हेतु शिक्षक द्वारा कौन कौन से शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग इस पाठ और अंतिम पाठ के मध्य तारतम्यता कैसे बनाएंगे। विद्यार्थियों से प्रकरण निकलवाने के लिए प्रस्तावना कैसे तैयार की जाएगी, ये सारी बातें इस तीसरे चरण में एक शिक्षक को करनी होती हैं। अब नियोजन का चौथा चरण, जो कि अधिगम एवं समझ को जांचने परखने के लिए बनाया जाता है। इस चरण के अंतर्गत योजना कक्षाओं के दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी सहजता से अधिगम कर रहे हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम शैली को उचित प्रकार से सहायता मिल रही है, इस बात की जांच इस चौथे चरण में की जाती है। पांचवा चरण है परिणाम निकालना तथा पूर्व दृश्य देखना, अर्थात आप किस प्रकार पाठ्य वस्तु को दोहराने की योजना बना रहे हैं। मुख्य संदेश या प्रभाव जो आप सोचते हैं कि विद्यार्थी दिखा पाएंगे अथवा बाद में याद रख सकेंगे, क्या क्या हो सकते हैं। छठा चरण है वास्तविक समय रेखा का निर्धारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समय सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होने वाला संसाधन है, जिससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं बंधी हुई हैं। एक प्रभावी पाठ योजना बनाते वक्त वास्तविक समय सीमा का निर्धारण सुनिश्चित कर लेना चाहिए, नहीं तो नियत समय में पाठ को प्रभावी तरीके से समाप्त करना मुश्किल हो जाता है। सातवां चरण है पाठ योजना का प्रस्तुतीकरण। शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को यह बताना चाहिए कि वे कक्षा में क्या सीखेंगे और कौन सी गतिविधियां करेंगे। पाठ योजना को प्रभावी तरीके से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें, क्योंकि यदि शिक्षार्थी सक्रिय नहीं रहेंगे तो अधिगम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इस प्रकार शिक्षण अधूरा रह जाएगा। अब योजना का आठवां चरण, जो कि पाठ योजना के बारे में पुनर्विचार करने को कहता है। कभी कभी विभिन्न कारणों की वजह से पाठ योजना प्रभावी नहीं बन पाती है। अब सोचने की बात है, ऐसा क्यों होता है। संभवतः शिक्षक ने या तो शिक्षार्थी की वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान ना रखा हो, अधिगम शैली की उपेक्षा की हो, या फिर पाठ को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत ना कर पाया हो। इन वजहों से पाठ योजना प्रभावी नहीं बन पाती है। ऐसी दशा में शिक्षक को धैर्य नहीं खोना चाहिए। ऐसा बहुत बार अनुभवी शिक्षकों के साथ भी होता है। स्वयं से पृष्ठ पोषण प्राप्त करने का प्रयास करें। इसे हम दूसरे अर्थों में कहें तो हमें अपने शिक्षण में रिफ्लेक्शन लाना होगा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात कहते हैं, जिसमें अध्यापक स्वयं से पृष्ठ पोषण प्राप्त करता है, अपने सहयोगी अध्यापक से भी पृष्ठ पोषण प्राप्त कर सकता है, व्यक्तिगत तौर पर डायरी जर्नल के माध्यम से भी वह फीडबैक ले सकता है। इस तरह यदि अध्यापक शिक्षण में रिफ्लेक्टिव टीचिंग का इस्तेमाल करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसका शिक्षण प्रभावशाली होगा। प्रत्येक कक्षा के बाद कुछ मिनट शिक्षक को यह पुनर्विचार करने में लगाना चाहिए कि क्या अच्छा हो रहा है और क्यों, तथा क्या वह अलग ढंग से भी कुछ कर सकते थे। नियोजन के घटक उसके महत्व को भी रेखांकित करते हैं, इसलिए नियोजन करते समय हमें उसके घटकों की अच्छी से जानकारी होनी चाहिए तथा नियोजन करते समय उसके घटकों का अध्ययन अवश्य कर लेना चाहिए। इस क्रम में हम देखें तो शिक्षक नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन हो सकते हैं। सामग्री व संसाधन, पाठ्य वस्तु, समय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिप्रेरणा आदि। ये शिक्षक नियोजन को प्रभावित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिनकी चर्चा किए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। इसलिए अनुदेशों को नियोजित करते समय काफ़ी विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ती है।
नियोजन के प्रारंभ में जहां प्रत्येक प्रकरण के बारे में शिक्षक को अपने विचार लिखने होते हैं, वहां नियोजन के घटक शिक्षक को अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने में तो सहायता करेगा ही, साथ ही यह सुनिश्चित करने में भी कि शिक्षक अपनी परिस्थिति पर गहनतापूर्वक विचार कर सके। अब नियोजन के घटकों में सर्वप्रथम पहला घटक है पाठ्य वस्तु। शिक्षक किस प्रकार की पाठ्य वस्तु का शिक्षण कर रहा है वह भी नियोजन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, शिक्षक पर्यावरण अध्ययन को किसी संप्रत्यय के शिक्षण का नियोजन कर रहा है तो उसे सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों उदाहरणों को एकत्र करके प्रदर्शित करना चाहिए। यदि शिक्षक किसी कौशल का शिक्षण कर रहा है तो शिक्षक को उसके लिए ऐसी कई सारी समस्याओं का अभ्यास के लिए निर्माण करना होगा। यदि वह किसी जटिल पर्यावरणीय समस्या को पढ़ा रहा है तो उसे उस प्रकरण को विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण व बोधगम्य बनाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण घटक है विद्यार्थी। विद्यार्थी शिक्षक के अनुदेशनात्मक निर्णयों पर जबरदस्त प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बहुत से निर्णय नियोजन प्रक्रिया के दौरान ही किए जाते हैं। विद्यार्थियों की आयु, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अभिप्रेरणा व रुचियां सभी शिक्षक के निर्णयों को प्रभावित करती है जो कि वह अनुदेशन के नियोजन में लेता है। विद्यार्थी की आयु सभी चरों में सर्वाधिक प्रभावशाली चर है जो नियोजन को प्रभावित करता है। आयु अवधान अवधि से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है जो यह निर्धारित करती है कि किसी वैयक्तिक पाठ में गतिविधि कितनी देर की हो सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी नियोजन को प्रभावित करती है। सभी नवीन अधिगम विद्यार्थियों की वर्तमान समझ पर निर्भर करता है। तीसरा घटक है सामग्री व संसाधन। सामग्री व संसाधन में सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तकों का स्थान आता है। नए शिक्षक पूर्णतया पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर करते हैं जो उनको पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में निर्णय लेने में, उसे व्यवस्थित करने में, उसकी गहराई में जाने में तथा परीक्षा में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रश्नों को बनाने में सहायता करता है। जैसे जैसे शिक्षक अनुभवी होता जाता है, वह आवश्यकता अनुसार प्रकरण को घटा बढ़ा सकता है तथा पाठ्यक्रम को यथोचित तरीके से अमल में लाता है। शोध इंगित करते हैं कि शिक्षक जब नियोजन करता है तभी वह गतिविधियों के बारे में निर्धारण कर लेता है। साथ ही वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि गतिविधियां उपलब्ध सहायक सामग्री पर आधारित हों। चौथा घटक है समय। समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर है जो नियोजन को प्रभावित करता है। नियोजन शिक्षक का पर्याप्त समय लेता है, विशेषकर नए शिक्षकों का जिन्हें पढ़ाने के लिए पढ़ना होता है। इनका ज्यादातर समय नियोजन में ही चला जाता है। उदाहरण के लिए, माध्यमिक स्तर पर शिक्षक का ज्यादातर समय विद्यार्थियों के लिए गतिविधियों को कराने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री को एकत्र व व्यवस्थित करने में ही चला जाता है। समय शिक्षक को अपने नियोजन को संरचित करने में सहायता करता है। शिक्षकों को शैक्षणिक कैलेंडर को क्रम निर्धारण आवर्त को सप्ताहों में तथा सप्ताहों को पाठ्य वस्तु तथा इकाई के रूप में कार्यानुकूल बना लेना चाहिए। पांचवा घटक है अभिप्रेरणा। विद्यार्थी की अभिप्रेरणा का स्तर नियोजन को प्रभावित करता है। नए शिक्षकों के लिए प्रबंधन के बाद अभिप्रेरणा ही सर्वाधिक महत्व का विषय होती है, जबकि अनुभवी शिक्षकों के लिए अभिप्रेरणा एकमात्र महत्व का विषय होती है। विद्यार्थी अभिप्रेरणा दो स्तरों पर घटित होती है, पहला सार्वत्रिक स्तर पर तथा दूसरा पाठ विशेष स्तर पर। सार्वत्रिक स्तर पर यह पूर्व अधिगम अनुभवों के संचयी प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यदि वे सफल हुए तो विद्यार्थी नवीन अधिगम के लिए आत्मविश्वास से युक्त, सजग व उत्सुक हो जाता है।
छठा घटक है शिक्षक। नियोजन प्रक्रिया में शिक्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर है जो विद्यालय की भूमिका के बारे में शिक्षक की धारणा, विद्यार्थी को क्या पढ़ना चाहिए, विद्यार्थियों की सहायता करने में उसकी खुद की क्षमता एवं शिक्षण अधिगम के लिए उसका सामान्य दार्शनिक दृष्टिकोण, यह सभी शिक्षक के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। दार्शनिक प्रतिबद्धता वाले शिक्षक विद्यार्थियों की असफलता को व्यक्तिगत जवाबदेही मानते हैं और निम्न उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की सहायता के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कम प्रतिबद्धता वाले शिक्षक विद्यार्थियों की नाकामियों के लिए उनकी निम्न उपलब्धि को लेकर ज़्यादा जवाबदेही का अनुभव नहीं करते हैं। पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु को लेकर शिक्षक की समझ विनियोजन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। शोध इंगित करते हैं कि जो शिक्षक पाठ्य वस्तु से अनभिज्ञ होता है वे निम्न स्तरीय प्रश्न ही पूछते हैं और सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रहते हैं तथा साथ ही विद्यार्थियों को भी प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करते हैं। पर्यावरण विज्ञान शिक्षण विद्यार्थियों को प्रोत्साहित, विचारावेशित, उद्दीप्त एवं चुनौती पेश करने वाला होना चाहिए। इसके लिए समय समय पर पाठ्य वस्तु ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। पर्यावरण विज्ञान की पाठ्य वस्तु का संवर्धन सेमिनार, संगोष्ठी, परिचर्चा, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के द्वारा आए सुझावों व परिणाम के आधार पर समय समय पर तय करते रहना चाहिए। आज की चर्चा में हमने जाना कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम हेतु नियोजन क्या है और इसके कितने चरण होते हैं, साथ ही शिक्षण अधिगम में नियोजन के घटक और उसके महत्व पर विस्तार से बात हुई है। आज की चर्चा बस इतनी ही। अगली चर्चा पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।